शांतरिंग टूट बेल असे तारीख हस्तखे जाम साहब ने अपनी पहली तरजीह में हम लोगों को ये नरक जो 47 करोड़ का अमाउंट है बड़ा प्रोजेक्ट है। कफील मरेर के हर गड़ा अंदाड़े बारे दाफ्त गड़ास हल मरेर मामला हल मरेर जा जरूरी है के दागुड़ दास बरेर हर बंदा कोई ड्राइवर है और तेरा मसला अपने हल के तो नना गवर्नेंस ना दाब बलो प्रोग्राम है जत मधुर का दुन किनु में पारे टक इलाके नु इनु में निशान तेरी टूट बेल असे तारीख हस्तखिक और दा करे पावा के बलुचिस्तान ना अहम शात टिपानेंगे कक अंतदार रियासत तक मसुनो बेल मस खारान मस कलात मस जाता बल्लो हैसियत तर वाले जाम साहब ना बनिंग अन उम्मीद की गिड़ास तरक्की थी कारें पे शुरू मसुनो गिड़ास कारें डिले अरे रक दासम दा से बास बल्लो कारें मसरे गैस ना वाले थी कि दाड़े गैस अंत तक लगानो एलपीजी तक लगानो और बाजू तर दाना जाम साहब इफ्तिदाम के ख्वाजा दाड़े सर गिड़ास और थी दिख पे सर आप अपना तारुफ हमसे करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कादर बख्श जामोट एक्स वाइस चेयरमैन लसबेला। सर आप ये बताएं हमें कि वज़ीर आला के आने से जाम साहब के आने से यहाँ पे क्या तरक्याती काम हुआ है। एक तो काम हमें नज़र आ रहा है कि गैस के हवाले से इसके बारे में सबसे पहले हमें कुछ ब्रीफिंग दें सर। जाम साहब ये सीएम बनने से पहले जाम साहब का एक विजन था कि जो बेला और आवरान को जो गैस प्लांट हम लोगों को एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है बेला के लिए बेला की आवाम के लिए जो हमारा देहरीना मुतालबा था जब जाम साहब MNA थे लसबेला और आवरान उस टाइम आवरान MNA में हमारे साथ था तो आवरान को भी एक गैस प्लांट का दिया था और बेला को भी तो आवरान की माशाल्लाह ओपनिंग हो गई है उसने काम स्टार्ट कर दिया है और बेला पे भी जाम साहब की खास तवज्जो है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये गैस की सहूलत बेला शहर को भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ उत्थल का भी अप्रूवल हो गया है गैस प्लांट और बंदर का भी। उत्थल की ज़मीन का मामला था वो भी जाम साहब की हिदायत पे हम लोगों ने ज़मीन वगैरह का मसला हल कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जब से जाम साहब ने CMship संभाली है तो जाम साहब लसबेला नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान को एक ही नज़र से देख रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल हम आए जैसे आपको मैंने आपको बताया ये पूरा बेल्ट और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि रोड के हवाले CM साहब से इंशाल्लाह मेरी खुद CM से जाते ही एक मीटिंग होगा उनसे मैं खुद डायरेक्ट जाम साहब से बात करूँगा और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे इस इलाके को गुले गुलजार करें। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं कादिर साहब हमारे साथ हैं उस इलाके को भी हम आपको दिखाते हैं। चले सर